गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आप लोग के बीच पुनः उपस्थित मैं धर्मेंद्र कुमार द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के बैनर तले मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा प्रोग्राम के तहत आप लोग के बीच कैचअप कोर्स लेकर उपस्थित। हम जैसा कि हम सभी को जानते हैं कि यह कैचअप कोर्स जो है कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए हम हमारे विद्यालय में आप लोग बच्चों के लिए लेकर आया गया है। सरकार का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे बच्चे जो बच्चे पठन पाठन की क्रियाओं के श्रेणी से टूट गए थे, अर्थात उनके बीच में जो गैपिंग हो गया था, उस गैपिंग को भरने के लिए जो लर्निंग लॉस हुआ था, उस लर्निंग लॉस को भरने के लिए कैसा कोर्स कराया जा रहा है। तो पुनः हम आप लोगों के बीच कैचअप कोर्स के माध्यम से सेवंथ क्लास के विज्ञान विषय लेकर उपस्थित हुए हैं और आज हम जानेंगे विज्ञान का पहला पार्ट कैचअप कोर्स का पहला पार्ट जो हम आप लोग आप खुद पाठ का नाम बताएंगे। कुछ हम सामग्री आप लोगों को सामग्री दिखा रहे हैं, उस सामग्री को देखकर आज उस चैप्टर का उस पार्ट का नाम बताएंगे। तो देखिए आपके सामने हम क्या लेकर उपस्थित हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है रोटी है, यहाँ पर करेला का भुजिया है, यहाँ पर सोजना का सब्जी है और यहाँ पर चावल है और हम दूसरे हाथ में दाल लिए हुए हैं, मसूर का दाल है। तो इससे आप अनुमान लगाइए कि आज जो चैप्टर है, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, वह पाठ का क्या नाम है। तो आपने सही समझा, आज जो चैप्टर हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है भोजन कहां से आता है। अर्थात जो भी हमने सामग्री देखी, जो भी हमने खाद्य पदार्थ देखा, यह खाद्य पदार्थ, ये सारे खाद्य पदार्थ एक एक करके जब हम अपने थाली में एक जगह रख लेते हैं तब यह खाद्य पदार्थ भोजन का रूप ले लेता है और यही भोजन हमारे शारीरिक जरूरतों को पूरा करता है, अर्थात हमारे पोषक तत्वों को पूरा करता है। तो हम इसी पोषक इसी भोजन के बारे में जानेंगे कि यह जो भोजन है, अर्थात ये जो रोटी है, यह रोटी किसकी बनी है और यह बनने वाली जो सामग्री है वह कहां से आया है। यहां पे जो यह चावल देखा, यह जो चावल है, यह चावल जो है किस फसल का है और वह फसल कहां से आता है। हमने ये जो करेला का जो भुजिया है, यह करेला कहां से आता है इसके बारे में हम जानेंगे। सोजना का सब्जी आलू मिक्स है, तो यह सोजना का सब्जी आलू यह कहां से आता है। यह दाल है, तो दाल हमें किन चीजों से उपलब्ध होता है उसी प्रकार से हम जानेंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ है जैसे दूध है, तो दूध कहां से हमें प्राप्त होता है, मांस मछली हमें कहां से प्राप्त होता है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले कि भोजन कहां से आता है, तो ये जान लेंगे सबसे पहले कि जो भी खाद्य पदार्थ को हम खाते हैं, एक खाद्य पदार्थ को खाते हैं और खाकर हम अपने शारीरिक क्षमताओं का अर्थात शारीरिक पोषक तत्वों में शरीर के अंदर जो हमारे पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व हमारे शरीर को बढ़ाने के लिए जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उसकी वह पूरा करता है, तो वह पूरा करने वाले सामग्री को हम भोजन कहते हैं। अब है कि भोजन जो हम करते हैं, भोजन कहते हैं, तो भोजन हमें प्राप्त कहां से, किन किन चीजों से होता है। तो भोजन प्राप्त करने के हमें दो साधन है, एक साधन है पेड़ पौधे और दूसरा साधन है जीव जंतु। पहला साधन पेड़ पौधे और दूसरा साधन है जीव जंतु। तो जो अभी हमने खाद्य पदार्थ को देखा था, जिस भोजन को हमने देखा, वह भोजन जो है यह भोजन जो है पेड़ पौधे से संबंधित है, अर्थात फसल से संबंधित है। यह हमें फसल से उत्पन्न होता है,
अब यह है कि फसल से कौन कौन से फसल से हमें यह सारे भोज्य सामग्री अर्थात खाद्य सामग्री हमारे शरीर हम जो खाते हैं यह हमारे यहाँ आता कौन कौन से खाद्य फसल से आता है तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसके बारे में जानने के लिए हम पुनः एक अगले दिन दूसरे वीडियो में इन सारे सामग्री के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।